Assalamu alaikum everyone, ameed hai ki aap sab khairiyat se honge. Is video mein I'm sharing some of my biggest tips and also the restaurants that we have eaten at jab se hum Bristol shehar aaye hain, Canada se. And essentially my biggest tip is is waqt hum hotel room mein hain, hamare paas oven nahi hai, microwave nahi hai, fridge nahi hai, jab tak hamari apartment nahi milti. And iski wajah se hum khana khud nahi paka sakte aur garam bhi nahi kar sakte. तो आई वुड सजेस्ट कि आप ब्रेड, जैम, पीनट बटर इस तरह की चीज़ें आप ले लें और अपने होटल रूम के अंदर रख लें और वो ही खाएं जब तक आपको कोई रेस्टोरेंट्स का सही पता नहीं चलता और आपको प्राइसेस का सही नहीं पता चलता कि कहाँ पे हम जा सकते हैं ताकि खाना भी अच्छा हो लेकिन पैसे भी बच जाएं. ये एक बहुत बड़ा टिप है क्योंकि शुरू दिनों में आपको नहीं पता होता. तो अब हमें आई थिंक 3 से 4 हफ्ते हो गए हैं इधर, तो हमें आखिरी 2 हफ्तों में रेस्टोरेंट्स का पता चल गया है. तो अब हम ब्रेड और जैम थोड़ा सा कम खा रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने टेक अवे बॉक्स के अंदर ये सालन था और साथ नान. ये सालन का एक बॉक्स 5 पाउंड्स का होता है जो इंतहाई अच्छी प्राइस है. 5 पाउंड्स में आपको आजकल कुछ नहीं मिलता, तो पूरा सालन और नान मिल जाना एक बहुत बड़ी नेमत है बेसिकली. तो ये जो नान और सालन है ये हमें 2 दिन चल जाते हैं, मतलब हम एक नान खा लेते हैं आधा आधा करके एंड वो 2 दिन तक चल जाता है सब. तो इसलिए इट्स अ रियली कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन. तो आप भी देख लें, मैं रेस्टोरेंट का नाम आपको ज़रूर बताऊंगी. जिस रेस्टोरेंट में जिस होटल के अंदर हम हैं उधर से सारे रेस्टोरेंट्स काफ़ी दूर पड़ते हैं. तो हम ईस्टर्न आते हैं और ईस्टर्न के अंदर ये एक जगह जो मैं विंडो से दिखा रही थी, इसका नाम है जहान रेस्टोरेंट. इनका शवरमा, आई डोंट थिंक मैंने जिंदगी में इतना अच्छा शवरमा कभी खाया है. और कोई भी वीडियोस या पिक्चर्स आपको बता भी नहीं सकती कि ये कितना अच्छा शवरमा है. कनाडा में कहीं पे भी मैंने इतना अच्छा शवरमा नहीं खाया. ठीक है, तो फिर हमने नान ले लिए, यहाँ से इसी रेस्टोरेंट से नान आ जाते हैं. बहुत फ्रेश नान आते हैं, आई थिंक 50 पेंस का एक नान है, 50 सेंट्स बेसिकली का एक नान है. तो अगेन बहुत कॉस्ट इफेक्टिव. फिर ये इस तरह की बिस्किट्स या इस तरह की चीज़ें हम ले लेते हैं यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि जब मैंने यूनिवर्सिटी जाना होता है तो लंच का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है इस वक्त. तो मैं ये एक ले जाती हूँ और पूरा दिन गुजर जाता है बेसिकली. तो हम ये जो रेस्टोरेंट है जहाँ पे 5 पाउंड का सालन मिलता है या शवरमा मिलता है, वहाँ पे हम बहुत कम आते हैं. हम हफ्ते में एक बार ले लेते हैं, वो 2 दिन चल जाता है, फिर हम वापस आते हैं और सालन ले लेते हैं और फिर वो 2 दिन चल जाता है. रेस्टोरेंट का नाम अलवाहा टेक अवे है और यहाँ से ही वो 5 पाउंड का सालन लेते हैं. इनका खाना ऑनेस्टली बहुत हाई क्वालिटी का होता है, अच्छी प्राइस में. 5 पाउंड में आप कुछ भी ले सकते हैं. और इनकी निहारी सबसे नंबर 1 पे है, इनका मटन का सालन आई वुड से सेकंड नंबर पे है. और यहाँ पे हमने कावली पुलाव ट्राई किया था इनका, ये इतना नहीं था अच्छा लेकिन गुजारे लायक था अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक था. लेकिन इनकी निहारी मतलब ट्राई करने वाली है और स्पाइस लेवल हर चीज़ के अंदर बहुत ही अच्छा होता है, मुनासिब होता है, लेकिन सब कुछ मज़े का भी होता है. तो अगेन मैं ये दिखा रही हूँ क्योंकि ये मैं खरीद रही हूँ जब से, मतलब हम 2 हफ्ते हो गए हैं. ब्रेड और जैम हमने बंद किया, थोड़ा सा कम किया है. तो तब से मैं ये खरीद रही हूँ क्योंकि ये यूनिवर्सिटी में मैं एक ले जाती हूँ और पूरा दिन गुजर जाता है बेसिकली. जब तक लंच की कोई सिचुएशन नहीं होती, किचन नहीं होता, तो तब तक यही करना पड़ेगा. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट वर्क्स. ये गार्लिक नान भी वहाँ से ही लिए थे और बहुत मज़े के हैं. आई फील लाइक ये तो वैसे ही होने चाहिए. अगेन सबसे बड़ा टिप यही है कि आप पीनट बटर या जैम इस तरह की चीज़ें ब्रेड के ऊपर लगा के जब तक खा सकते हैं आप खा लें, क्योंकि बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो. अल्लाह हाफिज़.